भुवनेश्वर आईएमएफटी रे G20 वर्किंग ग्रुप प्रदर्शनीर द्वितीय दिन भारत सह ओडिशा पाई गर्व और गौरवर मुहूर्त ओडिशा माटीरु विश्व देखुछि भविष्य ज्ञान कौशल झलक आज द्वितीय दिन रे कार्यक्रम रे जोग देछंती केन्द्रमंत्री राजीव चंद्रशेखर। आज लॉजिस्टिक सेक्टर डेवलपिंग कोस्टल इकोनोमिक जोन्स सागरमाला प्रोजेक्ट जनजाति गौरव सेक्टर जातीय लॉजिस्टिक्स पॉलिसी रेलवे माइंस बंदर उपरे आलोचना होई। कार्यक्रम में केन्द्रमंत्री कहिछंती एहा एक पावरफुल प्रदर्शनी भविष्य में भारत सशक्त होगा जाऊँगी। आगामी दिन में टेक्नोलोजी आहुरी आगो को जीव छात्र छात्री शिक्षानुष्ठान टेक्नोलोजी क्षेत्र में केमिति आगो को बढ़े से नहीं सबुठ आलोचना होगी। ग्लोबल इकोनोमी में भारत एवं 5 नंबर अच्छी भारत प्रधानमंत्री नेतृत्व में 2047 बेलू आम आहुरी आगो को जाइ 5 दिन धरी आयोजित होता प्रदर्शनी में आसंता 26 तारीख में केवल G20 राष्ट्र प्रतिनिधि मानकु प्रदर्शनी बुलिबार सुजोग मिलिबो। एहा स 37 ओ 28 तारिख रे साधारण लोके प्रदर्शनी बुलिबार सुजोग पाइबे। जो फ्यूचर ऑफ वर्क और फ्यूचर ऑफ स्किलिंग का एक एग्जीबिशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है, इट इज अ वेरी पावरफुल एग्जीबिशन बिकॉज इट इज अ मैसेज, इट इज अ विजुअल मैसेज टू द स्टूडेंट्स एंड टू द एकेडमिक्स that the future workforce is going to be a workforce that is going to require many skills that are absolutely brand new. As the workforce and the opportunities in front of the younger generation of Indians expand continuously, aur hame ye samajh kar chalna hai ki aane wale dino mein technology ka bahut zyada impact hoga hamare workforce pe, hamare opportunities par, aur uske liye naye skills। और मैं मानता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो बहुत ही अच्छा एग्जीबिशन यहां पर खड़ा किया है, इससे बहुत ही अच्छा और स्पष्ट मैसेज स्टूडेंट्स और एकेडमिक्स और इंस्टीट्यूशंस को मिलता है कि हमारे आने वाले दिनों में क्या अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे और उस अपॉर्चुनिटीज़ को साकार करने के लिए कैसे स्किल्स हमारे स्टूडेंट परसू करेंगे।